उधर महाराष्ट्र चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस की शिकायत पर ईसी ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। इस तबादले पर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में सियासी घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान के बाद से रश्मि शुक्ला लगातार विपक्ष के निशाने पर थे। उन पर विपक्ष के बड़े नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप थे और महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के पक्ष में बैटिंग करने की भी आरोप लगाती रही। रश्मि शुक्ला को जून 2024 में ही रिटायर होना था, लेकिन बीजेपी और शिंदे शिवसेना सरकार में रश्मि शुक्ला को 2 साल सेवा विस्तार दिया गया था। ऐसे में पक्षपात और साजिश के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला का तबादला सशस्त्र सीमा बल में कर दिया। विपक्ष इसे बड़ी जीत मान रहा है। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करूंगा। राज्य सरकार ने उसको अपने चुनाव के फायदे के लिए उनको इस पोस्ट पे बिठाया था। हमने चुनाव आयोग को कंप्लेंट की, एक बार नहीं तो 3 बार की। तो आज चुनाव आयोग ने आनंद फानंद में इनको उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया है। अगर आपने एन चुनाव के वक्त उनको हटाया है तो भी हम आपका धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ चीज कहते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण सरकार है। तो दूसरी तरफ डीजीपी पद से रश्मि शुक्ला के हटाए जाने के बाद से बीजेपी तमतमाई हुई है और विपक्ष से सवाल पूछ रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं? आज निर्णय रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर का उन्होंने मांग की और हुआ, तब आज चुनाव आयोग निष्पक्ष। कल इनके मन का नहीं हुआ तो पक्षपाती, ये दोगलापन कांग्रेस न करे। वार पलटवार के बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो कैडर में सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 5 नवंबर यानी कल दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठता के आधार पर गिनती में संजय वर्मा डीजी लॉ एंड टेक्निकल, रितेश कुमार डीजी होमगार्ड और संजीव कुमार सिंघल डीजी एसीबी सबसे आगे हैं। माना जा रहा है इन्हीं में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा। नए डीजीपी के चुने जाने तक मुंबई के कमिश्नर विवेक फलसाड़कर को फिलहाल डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी। उस समय भी उन पर सीनियर नेताओं की अवैध तौर पर फोन टैपिंग करने के मामले में 3 FIR दर्ज की गई थी। उन्हीं आरोपों की प्रत्यक्षता चढ़ाकर विपक्ष ने रश्मि शुक्ला पर डीजीपी पद से दूर कराने वाले तीर चलाए हैं। रश्मि शुक्ला के पास महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनने का भी रिकॉर्ड है, तो साथ ही 22 वर्ष की आयु में आईपीएस बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। ABP News आपको रखे आगे।